हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप ऑल गुड देयर। सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज तो आपको पता ही चल रहा होगा मेरी वीडियो देखने कि आज हम क्या करने वाले हैं, कि आज हम वॉक साइकिल बनाने वाले हैं ल्यूना कैरेक्टर पे, जो कि माया का है। ठीक है, माया में करेंगे आज। तो आपको दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, हिट दैट बेल आइकन बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई ऑल द वीडियोज दैट्स आर कमिंग सून एज पॉसिबल। ठीक है, जल्दी जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, इंटरेस्ट हो तो अभी करना, नहीं इंटरेस्ट हो तो यू कैन लीव। थैंक यू। चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं वॉक साइकिल, बताऊंगा मैं बेसिक से, फिर हम उसमें जाएंगे एडवांस में थोड़ा। ठीक है, चलो फिर मैं इसके कंट्रोलर से एक बार ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑन कर लिया है। कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंकु टून्स। ठीक है, जाकर फॉलो करिए। धन्यवाद। चलो दोस्तों, फिर हम करते हैं अपनी थोड़ी सेटिंग शूटिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्पेस बार के साथ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आपने माया अगर यूज़ नहीं किया है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके इसकी 25 फ्रेम्स पर सेकेंड कर लेता हूँ। 2x कर लो, यहाँ पे 1x हो तो 2x कर लिया। अंडू आप इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, एनिमेशन में जाके अब यहाँ पे आप सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टेप में करनी है एनिमेशन, किस में, क्लैंप में करनी है। तो आपको जिसमें ऑप्शन में, हाँ क्लैंप में करेंगे आज। ठीक है, चलो दोस्तों फिर शुरू हो जाओ। ठीक है, पहले मैं इनको छोड़ के बस नीचे वालों को और सबको पकड़ के, ठीक है, सब पे एस दबा दो, की लग गई है। यहाँ पे ऑटो की ऑन भी कर लेना, यहाँ से ऑटो की ऑफ होती है, ऑन हो जाएगी। ठीक है, सब पे करके मैंने की लगा दिया और फिर सेव कर लिया फाइल। ठीक है, जाके मैंने पॉलीगन्स सारे, देखो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप ऑन ऑफ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कंट्रोलर सारे। ठीक है, वैसे नहीं कि एक एक करके बताऊँ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं शुरू। अब मैंने की मार लिया तो मैं पोज बनाना शुरू करता हूँ पहले। ठीक है, बेसिक पोजेस बनाते हैं अभी हम। अब यहाँ से भी कर सकते हो इसका सेटिंग, और यहाँ से भी इसके ऑप्शन फुट रोल का देखो दे रखा है, आपको जैसा भी हो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। देख रहे हो, ठीक है, ट्विस्ट देना और ट्विस्ट भी हो जाएगा, स्ट्रेट रखना स्ट्रेट, ये देखो हील स्पिन है, टिल्ट है, टिल्ट करना। ठीक है, ये सब ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, अच्छी बात है। क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है माया के अंदर? ग्राफिक कार्ड का शायद कुछ दिक्कत है।
बार बार क्रैश, बार बार क्रैश। क्या कर सकते, तो हो रहा तो हो रहा भाई। दिक्कत आई कुछ ग्राफिक कार्ड की शायद, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं चलो पोजीज बना लेते हैं अपन। इसको एक बार सेव करते चलो, पता नहीं कब क्रैश हो जाए। इतना भी नहीं, मतलब ठीक लगे उस हिसाब से अपन करेंगे इसको। ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है चलो, पैर का हो गया एक पोज हमने, देखो ना राइट वाला आ गया इसमें, फ्रंट में आ जाओ, इसमें भी ऑन कर लेते हैं। आई के एफ के देख लेना, मैंने आई के में कर रखा है ये। ठीक है कंट्रोलर चेक कर लो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्पेस के हिसाब से। ठीक है अब यहाँ पे मैं इसके, देखो राइट वाला हमारा लेग आ गया है ना, तो ये पीछे जाएगा, ये याद रखना। ये तो इतना बेसिक्स होता है, नहीं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो राइट वाला, तो राइट वाला हैंड जो है पीछे है, देख रहे हो आप, इसमें भी ड्राइंग में भी दिख जाएगा आपको। ठीक है तो ऐसा ही करना है हमने भी। कंट्रोलर है ये यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है फिस्ट मैंने बंद कर दी है पूरी, आपको खुली रखना है जैसे रखना है आपकी मर्जी है वो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा शोल्डर हम इसका आप कर सकते हो। ठीक है आगे पीछे थोड़ा। अब ये जो है शोल्डर, देखो फॉलो हो रहा है इसका, देख रहे हो। मैं जहाँ पे शोल्डर करूँगा तो वो फॉलो होएगा, तो इससे अच्छा मैंने वर्ल्ड कर दिया उसको। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है यार। ठीक है शोल्डर हैंड को फॉलो करेगा वो भी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से शोल्डर करना है तो शोल्डर आप कर सकते हो, ठीक है। मगर फिर वो आप मैन्युअली उसको, इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको हिलाओगे तो हैंड भी जाएगा फिर उसके साथ। चलो कोई दिक्कत परेशानी अभी बात नहीं है इसमें।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी। ऐसे हम इसका सेम कर लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ो फिस्ट में मैंने। अब इसको हमने आगे कर देना है, शोल्डर को अभी आगे करेंगे। अब इसका देखो वर्ल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम शोल्डर कर देते हैं तो उसके साथ जाएगा फिर ये। थोड़ा सा और बढ़िया सा पोज बना लेंगे अपन। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे अपन लोग। हाँ, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, नहीं क्या बोलते हो बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप इसको ये हमने कर लिया, नेक को थोड़ा सा ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, हम 5 पे आ जाओ। 4 पे कर रखा है इसने वैसे पासिंग पोज, 4 पे कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं एक बार सिर्फ रेफरेंस के लिए अपने यहाँ पे एक डमी बनाऊंगा। रेफरेंस के लिए एक खाली, कि मेरे को ना उसका लेवल पता चल जाए, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैंने इसके लेवल के लिए लिया है कि मेरे को अगले पोज बनाना पड़े तो दिक्कत ना आए। अब हम क्या करेंगे इसको नीचे, ठीक है। पासिंग पोज बना रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है। इस 7 पे भी बना सकते हो, जैसे इसमें 7 पे बनाया हुआ है ये, समझ रहे हो, पास पोज। इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से भी चल सकते हो। 5 पे बनाना, 5 पे बनाओ, 6 पे बनाना, 6 पे बनाओ। यहाँ से की ऑन कर लो एक बार, ठीक है। की ऑन करने के बाद हमने 7 पे पासिंग पोज बना दिया, बिल्कुल सीधा इसमें। ठीक है, अब ये हमारा आ गया, ठीक है। अभी रफ रफ चलते रहेंगे, कोई अभी ज्यादा सोचने वाली सोचने की वो मत सोचना कि, ठीक है। बंद मत हो ये भाई, बस ठीक है। इनको
सब पे जाके मैं जैसे कर रहा हूँ ना, छः पे नहीं, छः वाली मैं सात पे कर दूँगा सारी की, ठीक है। और मैंने ऐसे दबा दिया, सब पे की लग गई सेवन पे, ठीक है। इसको हम कर देंगे साले, इसको आप वर्ल्ड ही रखो वैसे ना, मर्जी है जैसे भी आपको ठीक लगे। अब ऐसा इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसी उधर को वाला कंट्रोलर पकड़ के हमने नीचे करके पीछे की साइड, ठीक है। अंदर प्ले करके देखोगे तो ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। ठीक है, अब हमने उठा के कर देना है इसको, इसको लेवल देखने के लिए याद है आपको, आगे ऊपर नीचे करो, आगे पीछे नहीं, स्टैटिक है ना इसलिए। अब हमने एक बार जाके अब यहाँ तक हो गया सेवन, ठीक है। अब थर्टीन पे इसने कर रखा है कॉन्टैक्ट, वैसे पांच पे भी कर सकते हो आप, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये वाली जो लाइन है ना यहाँ, ठीक है, इसको ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये आया इसका जो ये है, हमने इसको थोड़ा आगे को करना है, ठीक है। तो सेव कर लो मैंने, कार्बोरेटर से बताऊंगा फिर मैं आपको ठीक करना है इसको। ज़्यादा इतना ठीक है, ज़्यादा फिर ठीक है। अब इसको हमने उठा के कर देना है आगे, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है।
डिपेंड करता है आप पे। मैंने देखो इसको वर्ल्ड कर रखा है ना, इसको हम मैंने इसको पे जाके इसको वर्ल्ड कर दिया और इसको भी जाके वर्ल्ड कर दिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक बार इसका बढ़िया सा पोज बना के जल्दी से, फिर आपके पास ना ज़्यादा फ्रीडम रह जाता है, समझ रहे हो? वो आपका हाथ नहीं हिलेगा फिर ज़्यादा। इसमें क्या है, वो कहीं और चला गया, आप कहीं और कर रहे हो काम, फिर उसको हिलाना बाद में बेकार ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये आया, यहाँ पे भी इसको वर्ल्ड कर दो, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, यहाँ पे इसको भी वर्ल्ड कर दिया और मैंने इसको उठा के सेम पीछे। ठीक है दोस्तों, इतना इतना गैप लेके चलेंगे। तेरह पे आ जाओ, तेरह पे आ जाओ, ये बिल्कुल जैसे वो फर्स्ट वाला था, ये वाला हाथ आगे आ जाएगा और ये वाला हाथ सही पकड़े है पीछे चला जाएगा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, समझे? नहीं समझे? समझोगे, सब समझोगे। थोड़ा सा शोल्डर और इसको हम कर देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, शोल्डर को थोड़ा सा उठा देंगे, कर लो सेव। इनको छोड़ के शिफ्ट से एस प्रेस। ठीक है, अब देखो ये आया और ठीक है, ये वो हमारा हो गया, कांटेक्ट हो गया बेसिक। देख रहे हो, तो ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करना। ये 13 हो गया हमारा, अब 19 पे हम पासिंग पोज बना देते हैं फिर से, जल्दी से जल्दी से। देख लो पहले यहाँ बना था ना ये, इस यहाँ पे यार, ठीक उतना ही है। ठीक है, इसको देखना, तो मैं इसको जाके यहाँ पर फिर से सेम करके एस प्रेस कर दो, इसको पकड़ो। ठीक है, विंडोज एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सक भी सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये देख रहे हो आप कौन सा एक्सेस है ये? ये एक्स, ठीक है, एक्स वाई जी। तो कई बार एक्सिस का दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर है यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता।
ठीक है, मैंने इसको पकड़ा, ये वाला जो ये है ना, अब मैंने क्या किया, जो ये है ना, एक तरीका बताता हूँ, ये एस पे था ना, अभी देखो आप ग्राफ देखोगे ना, पहले वाला क्या था, ये नीचे था, तो मैंने यहाँ पे गया और स्क्रॉल का बटन दबा दो, यहाँ पे अपने आप की कॉपी जाती है इसमें, और यहाँ पे जाके ड्रैग कर दो और एस प्रेस कर दो, ये देखो अपने आप ही की आ गई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सेम हम इसको पकड़ के 13 पे कर देंगे। ठीक है, तो ये सेम हमें परेशानी वाली बात नहीं आएगी कुछ भी। ठीक है, कितना आसानी से हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको आप विजिबल हटाना हटा लो, बड़ा परेशान कर रहा होगा ये। ठीक है, अभी वाला पैर आगे कर देते हैं हम, इसको फोल्ड। ठीक है, सेव कर लो, सेव करते चलो फाइल को, भाई बेसिक कर रहे, डिटेल्स हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स की टेंशन मत लेना अभी। अब इसको हम पकड़ के लाएंगे पीछे, ठीक है, और इसको लेंगे आगे। कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों यहाँ तक? देखो ये, ठीक है, बस देखो ये एरो से होता है, ये दूसरी की तीसरी चौथी। ठीक है, सेव कर लो एक बार। ठीक है, सेव कर लिया। ठीक है, 25 पे जाके इसने कांटेक्ट बना दिया, तो 25 पे हमने ये भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला जो पकड़ के ना, वही ड्रैग करा यहाँ पे और की मार दी, तो ये सारी की अपने आप ही कॉपी होगी। आप यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट से करके, राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते। ठीक है, सिंपल। तो हमारा बेसिक हमने कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसकी चेक कर लूंगा एक बार जाके। सेम देखो, ये और ये सेम है ना, बिल्कुल देखो। ठीक है, अब हमने फ्रंट में आके इसको एक बार, ठीक है, अब क्या करना है, जो हाथ इसका खराब हो रहा है ना, ये वाला, हाँ, इसको करेंगे बाहर थोड़ा ऊपर को कि ठीक लगे। ठीक है, ये अब मैं एक बार सबके इस पे जाके चेक कर लेंगे अपन। ठीक है,
चेक करा, इस पर की नहीं लगी ना, सब पे हमने 19 पे जाके की, 25 जाके की, तो सब पे की लग जाएगी अब। ठीक है, सेव कर लो एक बार। डिटेल्स अभी देनी है सारी, कैसे ठीक है, ये हमारा बेसिक आप देखोगे अभी तो, और मैं इसके ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से हमने की फ्रेम्स बनाए अभी, बस अभी ना वेट शिफ्ट, बाकी है हमारा। ठीक है, वेट शिफ्ट बाकी है हमारा, और इसमें प्रिंसिपल्स देना बाकी है हमारा, टाइमिंग स्पेसिंग, समझ रहे हो। टैप देना बाकी है, जब टैप होता है तो कैसे होता है, मैं देखो अभी बहुत कुछ करना है हमने इसके अंदर। और ठीक है दोस्तों, ग्राफ एडिटर बताऊंगा मैं आपको कैसे यूज कर सकते हैं। एक बार करके मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिटेलिंग, ठीक है, यहाँ पे जैसे थोड़ा, ठीक है, ये आया हाथ, ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे डिटेलिंग हम करेंगे।
सारी डिटेलिंग्स डालनी हमने, समझे? एक बार सेव कर लो, स्लो में करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, सारी सेटिंग्स हैं हमारी इसकी, ठीक है, टाइम स्लाइडर की। अब मैं एडवांस कर लूप कर देता हूँ तो ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ से जाके आपको कॉन्टिन्यूस में जाके क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका, ये देखो यहाँ पे टाइम कोड भी आ जाता है, देखो टाइम कोड आ गया। यहाँ से आपको मोटी पतली कीज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, समझे? नहीं समझे? समझ गए लगता है। तो यहाँ से फास्ट हो जाएगी आपकी, यहाँ से सेटिंग देखो स्लो हो जाएगी, ये देखो स्लो में। देख रहे हो नॉर्मल रफ, ठीक है दोस्तों। आके आप फोन कर दो, सेम सेम स्पीड रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम डिटेल्स में फुल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको इसका वेट शिफ्ट बताऊंगा, ठीक है। कैसे हम वेट शिफ्ट को कर सकते हैं मैं आपको फॉलो थ्रू बताऊंगा इसके अंदर। मतलब नेक्स्ट वीडियो के हम इसके अंदर सारे फाइनलाइज करेंगे, इसमें नेक एनिमेशन और डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। अभी आप इसको ट्राई करिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करना या फॉलो करना, वहाँ पे मैं आपको बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इसकी सारी फाइनलाइज करेंगे डिटेलिंग के साथ, ठीक है। आप इतने इसको ट्राई करिए, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमास, माता ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।